मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के कन्होली गांव निवासी कृष्ण देव सिंह उर्फ परनामी सिंह की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस संदर्भ में खजौली थाना परिसर में पुलिस इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा एवं थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि परनामी सिंह के पिता तेज नारायण महतो के लिखित आवेदन पर खजौली थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसमें 2 अपराधियों को नामजद किया गया है, जबकि 2 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित SIT टीम एवं IT सेल के सहयोग से घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें जयनगर थाना क्षेत्र के परवा गांव निवासी बद्री यादव एवं गोबराही के नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के भेटा गांव निवासी प्रभात रंजन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि घटना के दिन उपयोग किए गए बाइक प्रभात रंजन की ही थी, जिसे घटनास्थल से बरामद किया गया था। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि जयनगर बाजार स्थित जय हिंद टॉकीज की जमीन को लेकर आपसी विवाद व वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें रोहित यादव गैंग के लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना में संलिप्त अन्य सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतक कृष्ण देव सिंह उर्फ परनामी सिंह भी अपराधी प्रवृत्ति का ही व्यक्ति था, जिस पर अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं इस गोलीबारी में एक जख्मी का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।